सब्सक्राइब कीजिए फ्लाई योर सेल्फ चैनल इंग्लिश को अपनी जुबान हिंदी में सीखने के लिए। डियर रीडर्स, आज की वीडियो में हम आपको एम्फेसिस सेंटेंस पढ़ाने जा रहे हैं। मैं समय पर दफ्तर आता तो हूँ, सेंटेंस है उसे बताओ तो कि मैं आ गया हूँ। दवा समय पर ज़रूर खा लेना, जब आना तो फ़ोन ज़रूर करना। एक और सेंटेंस देखिए गाइज, उसे बताना ज़रूर कि मैं उसका इंतज़ार करूँगा। डियर रीडर्स, आज की वीडियो में हम आपको एम्फेसिस सेंटेंस पढ़ाने जा रहे हैं। इसकी डेफिनेशन है, जब वाक में जोर प्रकट करने के लिए तो, अवश्य, ज़रूर शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो एम्फेसिस रूल का यूज़ किया जाता है। इसमें दो टाइप के रूल होते हैं, नंबर एक प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट रूल और नंबर दो इम्परेटिव रूल। तो चलिए हम पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डज या डिड प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। हिंदी का रूल है, कर्ता प्लस डू या डज या डिड प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। एग्जांपल देख लेते हैं गाइज। मैं जाना चाहता हूँ, या हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं ज़रूर जाना चाहता हूँ। नॉर्मल अगर हमें इस बात को बोलना होता है तो हम बोल देते हैं मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन जब हमें ज़ोर देना होता है तो हम बोलते हैं मैं जाना चाहता तो हूँ, तो शब्द का इस्तेमाल कर दिया जाता है ज़ोर के लिए। तो इसे हम बनाएंगे एम्फेसिस रूल से। प्रेजेंट टेंस का वाक है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई, इसके बाद में आई बहुवचन है तो डू आएगा, इसके बाद मेन वर्ब चाहना कि वांट, और दूसरी मेन वर्ब है जाना, तो उसे इन्फिनिटिव बना देंगे, टू लगा देंगे गो के पहले। सेंटेंस बनेगा आई डू वांट टू गो। अगला सेंटेंस है, मैंने पढ़ाई की तो थी। कोई स्टूडेंट है जो इस बात पर जोर दे रहा है कि उसने पढ़ाई की थी, तो शब्द आया है, इसमें भी हम वैसे ही बनाएंगे, सबसे पहले आई आएगा, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है तो डिड आएगा, इसके बाद मेन वर्ब पढ़ाई करना की स्टडी। सेंटेंस बनेगा आई डिड स्टडी। गाइज, अब हम कुछ और सेंटेंस एग्जांपल देख लेते हैं। मैं समय पर दफ्तर आता तो हूँ। कोई एम्प्लॉई है जो इस बात पे जोर दे रहा है कि वो ऑफिस बिल्कुल टाइम से ही आता है, तो चलिए इसे भी हम बना देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई, प्रेजेंट टेंस का वाक है तो डू आएगा, इसके बाद मेन वर्ब आना कि कम, इसके साथ प्रीपोजिशन थी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा ऑफिस, इसके बाद अदर वर्ड्स ऑन टाइम। सेंटेंस बनेगा आई डू कम टू ऑफिस ऑन टाइम। अगला सेंटेंस है, वो कुछ दिन पहले तक दूध पीती तो थी। यानी कि हो सकता है कि वो अब दूध नहीं पीती है, लेकिन पहले पीती थी, इसलिए कोई जोर दे के इस बात को बोल रहा है। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं, वो कि सब्जेक्ट लिखेंगे शी, इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है तो डिड आएगा, फिर मेन वर्ब पीना की टेक, इसके बाद ऑब्जेक्ट द मिल्क, और इसके बाद अदर वर्ड्स टिल सम डेज एगो। सेंटेंस बनेगा शी डिड टेक द मिल्क टिल सम डेज एगो। तो ऐसे ही सेंटेंस ये एम्फेसिस के बनाए जाते हैं गाइज। पास्ट इंडेफिनिट का होने पे डिड और प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होने पे डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इम्परेटिव रूल के सेंटेंस और रूल देखते हैं। रूल है डू प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। हिंदी का रूल है डू प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। सेंटेंस है उसे बताओ तो कि मैं आ गया हूँ। देखिए, जोर दिया जा रहा है तो शब्द से कि उसे बताओ तो कि मैं आ गया हूँ। सेंटेंस में सबसे पहले डू आएगा, इसके बाद मेन वर्ब टेल, इसके बाद ऑब्जेक्ट हिम, और फिर आगे वाला सेंटेंस एज अ रूल बन जाएगा दैट आई हैव कम। सेंटेंस बनेगा डू टेल हिम दैट आई हैव कम। अगला सेंटेंस है, दवा समय पर ज़रूर खा लेना। ज़रूर शब्द से उस पर जोर दिया गया है कि भूलना मत, दवा समय पर ही खा लेना। सेंटेंस बनेगा सबसे पहले डू, इसके बाद मेन वर्ब खाना की टेक, और ऑब्जेक्ट मेडिसिन, और अदर वर्ड्स ऑन टाइम। सेंटेंस बनेगा डू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। अब हम कुछ और एग्जांपल समझ लेते हैं। जब आना तो फ़ोन ज़रूर करना, जोर दिया जा रहा है कि आप आना तो फ़ोन ज़रूर कर लेना। तो इसे भी हम बनाएंगे, सबसे पहले आ जाएगा डू, इसके बाद में मेन वर्ब आ जाएगा कॉल, फ़ोन करना की, इसके बाद में दूसरा सेंटेंस आ जाएगा रूल व्हेन यू कम। सेंटेंस बनेगा डू कॉल व्हेन यू कम। एक और सेंटेंस देखिए गाइज, उसे बताना ज़रूर कि मैं उसका इंतज़ार करूँगा। तो इसमें भी ज़रूर शब्द से
जोर दिया गया है। सबसे पहले डू आएगा, इसके बाद मेन वर्ब बताना कि टेल और ऑब्जेक्ट उसे हिम, इसके बाद दूसरा जो सेंटेंस है उसे एज ए रूल बना देंगे। सेंटेंस बनेगा डू टेल हिम दैट आई विल बी वेटिंग फॉर हिम। तो आई होप गाइज कि इम्फेसिस सेंटेंस आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच गाइज वीडियो को पूरा देखने के लिए। बिफोर गोइंग फर्दर आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, सो कीप इन टच एंड वॉच। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट योरसेल्फ। नीचे हम आपको कुछ सेंटेंस दे रहे हैं, आप उन्हें बना करके कमेंट में लिखें और देखें कि आपके कितने सेंटेंसेज आप सही बना पाए हैं। गाइज अगर आपको सेंटेंस बनाने में दिक्कत हो रही है और आपको दिए गए रूल्स में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं समझ आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले इंग्लिश ग्रामर की बेसिक सीखिए, और इसके लिए हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप पहले हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए। गाइज अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने सुझाव देने के लिए हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं।